दादासाहेब गडावर नाहीत, कुठे गेलेत? बुरहाणपुरी औरंगजेब बादशहावर झडप घेऊन त्याला ठार मारायला. पैनीसा आशा कशा हो तुम्ही? एवढी मोठी गोष्ट आमच्यापासून लपवून ठेवली. नाही हो बत्ताशीबाई, परक्याचं नातं लावलं ना आमच्याशी. अहो तुम्हाला परक समजू का आम्ही? मग का सांगितलं नाही? का दडवून ठेवली ही गोष्ट? स्वतः मात्र एवढं ओझ घेऊन एकट्या चालत राहिला, एवढी दमछाक झाली असेल तुमची. केवळ दमछाक नाही, काळजीनं अर्ध मेले झालो होतो आम्ही. कस करत होता एका वेळी एवढी अवधानं सांभाळायची? एका बाजूला लग्नाचे विधी, तर दुसऱ्या बाजूला पै पाहुणे, आणि तिसऱ्या बाजूला बुऱ्हाणपुरातून येणाऱ्या खबरा. कोणाला सांगायचं काय नि ऐकायचं काय? किती सहन केलं, केवढा त्रास झाला तुम्हाला? दत्ताशीबाई, वरमाई होऊन सुद्धा वरमाईचा आनंद घेता आला नाही. एवढं थोर लग्न कार्य लोकांच्या नजरा चोरून राहिलात, पण तुम्हालाही तसंच पाहिजे. अगदी अगदी गळ्याशी आल्यानंतर आम्हाला सांगितलं. कसं सांगायचं होतं आम्ही? आणि सांगितल्यावर तुम्ही राजांना जाऊ दिलं असतं? तरी सांगायचं होतं, सुरुवातीपासून सांगायचं होतं. झाली असती तर आमची मदतच झाली असती. एवढा ताण नसता आला तुमच्यावर. अहो आबासाहेबांच्या लेकी आहोत आम्ही. आम्ही पायात पैंजण नाही, धाडस बांधतो, गळ्यात वीज माळतो. तुम्हाला एकट्या पडू देऊ का हो आम्ही? या अल्लाह, सुरमे की सलाई को सोने की बनाई, ये कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है बेगम साहिबा, सब कुछ. इस बड़े बाबा पर खुदा की मेहरबानी है, कुछ भी हो सकता है. मिट्टी का सोना, सोने की मिट्टी, यू यू यू. बड़े बाबा, हमारे मालिक बादशाह के यहाँ दरोगा जी है, बड़ी जिम्मेदारी का काम करते हैं. उन्हें कोई मामूली सा खेल दिखा दो. ए, क्या क्या मामूली? अब समझते क्या हो? ये कोई साधारण जादूगर नहीं है, ये ऊपर वाली के मेहरबानी का नजराना है, नजराना. लेकिन हम कैसे एतबार करें? अच्छा, आपको बड़े बाबा पर एतबार नहीं? बड़े बाबा पर एतबार नहीं, ये देखो कुछ है. आला मंत्र, काला मंत्र, जमुरा हो या बंदर, बाहर हो या अंदर, जादू का समुंदर. या खुदा, इसकी खुशबू, इसका रंग, ये तो अजमेर की हुदी है. बिल्कुल सही पहचाना बेगम साहिबा, आखिर असली परख घर की औरत को होती है. लोग चाहे कहेंगे इसे राख, लेकिन इसके मोल है लाख. सचमुच सचमुच तुम जादूगर हो बेगम. ये सब हाथ की सफाई भी हो सकती है. हाथ की सफाई? हाथ की सफाई तो सपेरों के पास होती है, बंदर नचाने वालों के पास होती है. हम तो वो बंदे हैं जिन पे खुदा मेहरबान है. बड़े बाबा देखिए, ये बाल किसी के दाढ़ी का लगता है. ये
ये बाल हमारे इनका है, हमारे इनके दाढ़ी का बाल है। वाह 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 वाह, तैमूर खान साहब के दाढ़ी का बाल। अब देखिए हम इस बाल को कैसे सांप में तब्दील करते हैं। सांप? डरिए नहीं, डरिए नहीं, जीता जागता सांप नहीं, सोने का सांप। हाँ, मगर जैसी आपकी हैसियत उतने तोले का सांप बनेगा। कितने तोले का सांप बनेगा बताओ बताओ? वैसे इनकी हैसियत बड़ी है। बड़ी? पांच तोले का सांप बनेगा, ज्यादा से ज्यादा। देखिए, काला मंत्र, काला मंत्र, जमुरा हो या बंदर, बाहर हो या अंदर, जादू का समंदर। पांच तोले का सांप, सोने का सांप। या खुदा, तुम्हें बाजीगर कहूं या तिलस्मी अदाकार या कोई फरिश्ता? ऊपर वाले की दुआ है। लेकिन बेगम साहिबा, बाल अगर शाही खानदान का होता तो हमारे उस्ताद 100 तोले का सांप बना देते। 100 तोला? या अल्लाह। पर अगर बाल अगर खुद बादशाह सलामत का हो तो? तो 5 शेर सोने का सांप बनेगा। 5 शेर? 5 शेर सोना? अजी सुनिए, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगती हूँ। मेरे लिए एक बादशाह का बाल लेकर आओ। पागल हो क्या? हम बादशाह से दाढ़ी का बाल मांगे? आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते? आप आज हमसे बात नहीं कीजिएगा? बेगम कुछ तो लिहाज करो, सोचो। अब जो सोचना है तुम सोचो, मगर बाल दे दो। सर कारकुनांना सांगा, आलेल्या लोकांची मुजदात घ्या म्हणावं आणि जेवण वाढवायला सांगा। जी जी, या। कविराज जी, खालची धर्मशाळा उघडली। बरं केलं, सारवून घेतलीत ना जमीन? परवा सारवली आहे, जाजम हंतरून समद टाकलंय। इतर कामा बघा, मी आलोच। सोच लीजिए खासाब, ये मौका फिर हाथ नहीं आएगा। अजी मौके की बात तो दूर, ये जादूगर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ से हम सीधे चले जाएंगे तुर्कस्तान, हिंदुस्तान नहीं रुकेंगे। मालिक, आपको क्या तकलीफ है? आप तो रात भर बादशाह सलामत के पहरे पर होते हो। सुना, बादशाह के पहरे पर रहते हैं ये? फिर तो बाल मिलना बहुत ही आसान है। बादशाह सलामत के सोते ही उनके दाढ़ी का एक बाल काट लेना। क्या काटना? अगर पकड़ा गया तो मेरी गर्दन काटेंगे वो। अरे तैमूर खान साहब, लोग अपनी बीवी बेगम के लिए चांद तारे तोड़ लाते हैं, आप एक बाल नहीं ला सकते? हाँ जी, क्या यही प्यार है आपका? इतना भी नहीं कर सकते आप? इतना आसान नहीं है। बादशाह का बाल मतलब? तो मुझे ले चलो। ये क्या बोल रहे हो तुम? वहां किसी को इजाजत नहीं है। अब एक बार कोशिश तो कीजिए। अगर नाकाम हुआ तो मौत पक्की है, समझो। मोहतरमा, आप देखिए, तैमूर खान साहब हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, लेकिन आप तो समझदार है, जानकार है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। एक बार हम चले गए तो सांप भी फुर
सोना भी फुर। इनसे कहिए हमें साथ ले चले, हम जादू से किसी को दिखाई नहीं देंगे, इन पे कोई सवाल नहीं उठेगा। सोचिए मोहतरमा, आप अमीर बनेंगे, उमराव बनेंगे, राजा बनेंगे। नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। बादशाह सलामत बहुत होशियार रहते हैं। इनसे नहीं होगा। लेकिन बेगम साहिबा का दिल टूट जाएगा। ठीक है, मसला थोड़ा आसान कर देते हैं। अगर आप बाल नहीं ला सकते तो बादशाह के अंगरखे का या पहने हुए काबा का धागा भी चलेगा। धागा चल सकता है? देखिए, आप इतना तो कर ही सकते हैं, आप धागा ले आइए। हाँ हाँ, हमें साथ ले चलिए। हाँ हाँ, बड़े बाबा आप जाइए इनके साथ। क्या जाइए? आप जानते नहीं क्या, वहां गुलालबारी में एक चीटी तक नहीं जा सकती। इतने से तिनके को भी हाथ नहीं लगा सकते आप। और बादशाह का बाल? जादूगर है ये। बादशाह भी खुद एक बड़ा जादूगर है। आप सब चुप रहिए, मुझे कुछ सोचने दीजिए। गुस्ताखी माफ अबूजान, लेकिन जब से आप गुलाल बारी आए हो तब से इस खिड़की से दूसरी तरफ देखते हो, वह क्या है? हीराबाई की कब्र। हीराबाई की कब्र? जैनाबादी बेगम, हमारी छोटी माँ। गुस्ताखी माफ हुजूर आला, जहाँपना एक गुजारिश है। कहिए वजीर आला। जहाँपना, बाहर खलासी और कारीगर लोग आए हैं। जीरत बेटी, अरे फौरन अंदर भेज दिया जाए। छोटी मोटी नाव बनाने का काम कहां तक पहुंचा है वजीर आला? हुजूर, तकरीबन सारे जहाज तैयार हैं। इस काम में बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जी हुजूर। एक और बात, इस वक्त हम किसी तरह की बेपरवाही और लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हुजूर। दक्कन में जितनी नदियां बहती हैं उनकी पूरी जानकारी तुम लोगों के पास है ना? तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, प्रवरा, सानी, सबकी जानकारी है ना? वहां के पानी का बहाव, पानी के नीचे मौजूद कितने पत्थर हैं, इस सब की जानकारी हमें चाहिए। और पानी के रास्ते में क्या क्या जरूरतें पड़ेंगी ये वहां के मल्ला और मछुआरे ये हमें बताएंगे, हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। जी हुजूर। डाल रहे, इस बार हम पूरा रसाला लेकर जाएंगे, हाथी, घोड़े, ऊंट, बैल, बकरी, सब कुछ, औरतें, बच्चे, साथ में पूरा शाही जनाना भी। जहां पना, सारा काम मेरी ही निगरानी में हो रहा है। बहुत खूब, बस अब कुछ दिन और बुरहानपुर में है, उसके बाद जल्द से जल्द स्वराज, जहां पर मुगलिया सल्तनत का परचम लहराएगा।
आप शरबत लीजिए, तब तक मैं आती हूँ। सुनिएगा, जल्दी आएगा बेगम साहिबा, वक्त कम है। जी। आता धीर वाटतोय आम्हाला, आता धीर सोडून चालणारच नाही। दिलेर खानाच्या छावणीतून आपण दादासाहेबांना कसं सलामतीने बाहेर काढलं, तसंच इथे सुद्धा धैर्य दाखवू। बत्ताशीबाई, तेव्हाची गोष्ट वेगळी होती, आता हे लग्न आहे। हो ना हो, पै पाहुणे विचारतात। पै पाहुणे काय, आम्हीच विचारत होतो कितीदा। त्याचीच काळजी वाटते आता आम्हाला। पण आम्हाला काळजी वाटते ती मातोश्रींची, त्याही विचारत आहेत। हो ना, काय सांगावं मातोश्रींना। तुमच्या समोर तरी मातोश्री आहेत, आम्हाला तर समोर भवानीबाई दिसत आहेत। मोठा स्पेस उभा राहिला हो, तेच उभा राहिला तर तो परस्पर सोडवायचा हे लक्षात असू द्या। जी कविराज। राजांच्या माघारी आपल्यावर जबाबदारी आहे। जी कविराज। राजन दिसले नाहीत तर चौकशी करणारे जास्त चौकस होतात, आणि राजन दिसले की चिडीचूप असतात। कान्होजीराव जास्त चौकशी करतायत, त्यांचीच काळजी वाटते मला। राजन गडावरती नाही तसं बोलबाला व्हायला नको। आत्ता राजा गडावरच आहेत असंच लोकांनी वाटतंय। तसंच वाटलं पाहिजे। या दोन चार लोकांवरती संशय आहे, त्यांच्यावर लक्ष ठेवा, आणि चौकशी कराविषयी वाटली ताब्यात घ्या। त्यात खबरी सुद्धा आहेत, मी पाळत ठेवून आहे त्यांच्यावर। कविराज, आजूबाईच्या गावातील माणसं आले, ती त्याची दरवाजातच थांबविले मी। ठीक आहे, माणसांना पारखून तपासून आत घ्या। काय पा जी, लक्ष ठेवा, जोखीम मोठी आहे, या तुम्ही। सोन्याचे साप किती दाजून? चार पाच देऊन ठेवा, आणि उदीची पिशवी सुद्धा द्या। आता थेट 500 सोन्याचा नाग बनवावा लागेल, पण त्याआधी औरंगजेबाच्या गुलाल बारीत चिरण्याची संधी मिळाली पाहिजे। त्या भुजंगाला मारल्यावर सोन्याच्या सापाचा उपयोगच काय? पण ही तैमूर खानाची बेगम अजून कशी येत नाही? क्या कहा, बादशाह सलामत के दाढ़ी का बाल चाहिए? हाँ जी वजीर आला, अगर बादशाह का बाल मिलेगा तो मेरी सारी हसरत पूरी हो जाएगी। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी बादशाह के बाल की? जादूगर को चाहिए, कहता है बादशाह का बाल मिलेगा तो उसे 5 सेर सोने का सांप बना देगा। मेरी जिंदगी आराम से गुजरेगी, मैं अमीर बनूंगी। और क्या चाहता है जादूगर? कहता है कि बाल नहीं मिला तो चोले का धागा भी चलेगा। और जादूगर को बादशाह के महल में ले जाना है। अगर आप चाहो तो आप भी एक बाल ला सकते हो, आप भी अमीर बनोगे, आपको भी 5 सेर सोना मिलेगा। हम भी अमीर बनेंगे। हाँ, मैं जादूगर को मनाऊंगी। पागल औरत, तैमूर खान दरोगा की बेगम होकर ऐसे ख्यालात पालती हो? कौन सा जादूगर, कैसा जादूगर? ये बादशाह सलामत के खिलाफ धोखा करने की साजिश है। मगर सोने का सांप। बस करो ये पागलपन, तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा। चलो दिखाओ मुझे कहाँ है जादूगर, चलो जल्दी चलो। पना के दाढ़ी का बाल मांगने वाला जादूगर अंदर है ना, चलो दिखाओ।